नमस्कार, अंतःशक्ति कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज 22 नवंबर 2019 शुक्रवार का दिन, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। जानते हैं आज का राशिफल। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए आज का छठा चंद्रमा उनका वर्चस्व बढ़ाएगा, शत्रु परास्त होगा। आज के दिन को बेहतर करने के लिए सूर्य की उपासना आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का पांचवा चंद्रमा शिक्षा और संतान संबंधी चिंताओं को बढ़ा रहा है। उपाय के लिए गणपति की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का चौथा चंद्रमा उनकी मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा। चिंताओं की एक वजह प्रेम प्रसंगों में बढ़ता संघर्ष भी हो सकता है। उपाय के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का तीसरा चंद्रमा उनके पराक्रम में वृद्धि कराएगा, मान सम्मान दिलाएगा, मित्रों से सहयोग दिलवाएगा, छोटी मोटी यात्राएं भी कराएगा। अपने जीवन में ऐसी उन्नति बनी रहे इसके लिए हनुमान जी की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का दूसरा चंद्रमा परिवार और धन की चिंताएं बढ़ाने वाला साबित होगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करना आपके लिए शुभ लाभदायक होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का स्व राशिगत चंद्रमा आज किसी सुखद सूचना का संचार कराएगा। परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न करा सकता है, स्वास्थ्य भी सुधरेगा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए माँ काली की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का 12वां चंद्रमा खर्चे और यात्राओं को बढ़ा रहा है। परिवार में टलते आ रहे किसी बड़े खर्चे के भी योग बन रहे हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का 11वां चंद्रमा आय के नवीन स्रोतों का सृजन करेगा, साथ ही विदेश संबंधित कार्यों में लाभ की स्थिति भी बना रहा है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिवलिंग पे जल का अभिषेक करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों का 10वां चंद्रमा उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति करा रहा है, साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आशाएं दिला रहा है। अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हनुमान जी की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का 9वां चंद्रमा आज कार्यों में देरी और अनावश्यक संघर्ष की स्थिति बना रहा है। जीवन को बेहतर करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का 8वां चंद्रमा धन और स्वास्थ्य के लिहाज से कतई अच्छा नहीं है, अतः आज कोई भी जोखिम ना लें। उपाय के लिए आपको गणपति की उपासना करनी होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों का 7वां चंद्रमा व्यापारिक और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए शुभ फलदायी है। अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए शिव जी की उपासना करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आज बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। देखते रहिए अंतःशक्ति कार्यक्रम। धन्यवाद।